तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोटोशॉप के बारे में। फ्रेंड्स, फोटोशॉप से आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसे भी आप बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल अपनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अभी फाइल पर क्लिक करना है, और फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें आप कंट्रोल ओ एक साथ प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका जो फाइल है यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले पर आप दो बार भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पर पसंद लगे यहाँ पर आप उससे भी आप अपना जो फाइल है वो खोल कर यहाँ पर अपना फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे फोटो डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सिंपली ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटोशॉप में हमारा जो फोटो है वो आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो यहाँ पे फोटो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपना जो यहाँ क्रॉप टूल्स आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। क्रॉप टूल्स पर क्लिक करने के बाद आप फोटो को यहाँ पे पासपोर्ट साइज के साइज में यहाँ पे आपको क्रॉप कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप क्रॉप करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो सही का जो ठान दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जो सही का जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटो यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से आप अपना जो बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, झाड़ू वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ये फोटो का जो बैकग्राउंड है उस पर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, और तो इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइनिंग आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे फोटो का जो बैकग्राउंड में यहाँ पर लाइनिंग आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और कलर सेलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेना है, और करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है इस तरह से। और ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कीबोर्ड में आपको डिलीट या बैक स्पेस प्रेस करना है एक साथ। जो भी आप बैक स्पेस या डिलीट जो भी आप प्रेस करेंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है एक क्लिक में यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको कैसे रिमूव करना है तो इसको हम बताएंगे। तो आपको कीबोर्ड में एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल डी एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड का जो लाइनिंग था यहाँ पे हट जाएगा। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के फ्रेंड्स आपको क्या करना, एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कलर का जो ऑप्शन दिया गया है इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस तरह से। तो इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो कलर है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर अपना जो फोटो को अच्छी तरह से आप बना लेंगे। इसमें जितना कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपका जो फेस का जो लाइट है यहाँ पे चेंज होता जाएगा इस तरह से, आपको यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे, और ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंट्रोल और एम एक साथ प्रेस करेंगे, और यहाँ पे फोटो पर थोड़ा फेस पर लाइट इस यहाँ से बढ़ा देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे फोटो का जो कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। और ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक साथ प्रेस करना है कंट्रोल एल एक साथ प्रेस करेंगे, और यहाँ से भी अपना जो फोटो का जो यहाँ पे कलर यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आपको यहाँ पे कलर यहाँ पे दे देना है इस तरह से, और इसको आप देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सारा चीज़ करने के बाद सिंपली आपको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इमेज साइज आपको क्लिक करना है, और इमेज साइज क्लिक करने के बाद ऊपर में वेट में आपको 350 पिक्सल रखना है इस तरह से 350, और हाइट में आपको 450 पिक्सल रखना है इस तरह से। और रखने के बाद सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो फोटो का जो साइज है यहाँ पे पासपोर्ट साइज में आ चुका है। पेज लेना है तो सिंपली पेज में आपको फोटो प्रिंट करना है तो सिंपली एक पेज लेना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल एन एक्स प्रेस करेंगे, और यहाँ पे अपना जो पेपर का जो साइज है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 2x3 या 4x6 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, या 5x7 यहाँ पे, और 8x
टेन यहाँ पर सेलेक्ट, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे ए फोर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे या थ्री, तो चलिए 4x6 का जो पेपर है वो सेलेक्ट करके आपको ये बताएंगे और फोटो प्रिंट करके आपको वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के ओके करने के बाद सिंपली हमारा जो पेज है यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस टूल्स को सेलेक्ट करना है। इस टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल्स इसका नाम है, तो इसको यहाँ से मूव करना है इस वाले पेज में। तो सिंपली यहाँ पे मूव यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव करते हुए ट्रैक करते हुए यहाँ पे इस वाला जो फोटो है उसको आपको माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको क्लिक किए हुए यहाँ पे रख लेना है फोटो को। तो इस तरह से रखने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपको यहाँ पे साइड में इस तरह से कर देना है, थोड़ा सा जूम इन इस तरह से करेंगे और जूम इन करने के बाद आप देख सकते हैं फोटो हमारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कलर यहाँ पे बैकग्राउंड का जो बॉर्डर है आपको यहाँ पे देना है। तो सिंपली आप जो भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो हम चलिए ब्लैक यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे 3px यहाँ पे रखना है और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो का जो बैकग्राउंड है यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे साइड में सजा लेना है इस तरह से फोटो को। 4x6 का जो पेपर साइज में आपको यहाँ पे फोटो को अच्छी तरह से यहाँ पे सजाना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अलर्ट और माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है एक साथ प्रेस करके यहाँ से फोटो को यहाँ पे उठा कर रख लेंगे। इस तरह से फोटो को आपको यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख लेना, तो फिर आपको एक साथ प्रेस करना है माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, एक साथ क्लिक किए हुए यहाँ फोटो को यहाँ पे ट्रैक करते हुए उठा के यहाँ पे साइड में रख देना है। तो आप फोटो को जितना भी इस तरह से आप चाहेंगे फोटो को A4 साइज में जितना भी फोटो आप लेना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे फोटो का जो साइज है, जो भी पेज में आप जितना भी फोटो लेना चाहते हैं इस तरह से आप बहुत सारा फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे में उसी प्रकार आपको यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो को स्टेप बाय स्टेप सजा लेंगे इस तरह से, और सजाने के बाद सिंपली आपको प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे जो 4x6 का जो पेज लिए थे उसमें हमारा जो सारा फोटो यहाँ पे परफेक्ट साइज में हमें सजा दिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, Ctrl+P एक साथ प्रेस करेंगे और आपका जो फोटो है उसको प्रिंट करना है। तो किस प्रकार करना है, तो सिंपली आपको Ctrl+P एक साथ प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो फोटो है यहाँ पे आ चुका है। तो फोटो हमारा प्रिंटर में यहाँ पे प्रिंट करने के लिए तैयार है। तो सिंपली इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद सिंपली प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो प्रिंट क्वालिटी है यहाँ पर आपको बेस्ट कर देना है और बेस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी यहाँ पर कलर सेलेक्ट है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है और करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। तो चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।